गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन योर EVS क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन, लेसन नंबर 3, इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर नेचर हैज़ डिवाइडेड द थिंग्स इनटू टू कैटेगरीज, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या होता है? द थिंग्स विच रिक्वायर फूड, वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। And non-living things are those which do not require food, water and air for their survival. तो जितने भी living things होते हैं, they are interdependence. Interdependence means they are dependent on किसी न किसी पर वो depend होते हैं। जैसे plants जो हैं वो दूसरे चीज़ों पर depend हैं, animals plants पर depend हैं, हम लोग animals और plants दोनों पर depend हैं। That's mean कि जितने भी living things होते हैं, they are dependent on other living things। ठीक है, interdependence, all living things are interdependent। जितने भी living things हैं, अभी मैंने बताया कि living things क्या होते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सब क्या है? लिविंग थिंग्स है, जो कि एक ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब जैसे यहाँ पे जो आपकी बुक में स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे आप देखो, कैरेट कौन खाता है? रैबिट। रैबिट को कौन खाता है? फॉक्स। फॉक्स को लायन। ठीक है, ऐसे जो ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को पाइथन, पाइथन को ईगल। मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं उनके खाने के लिए, फूड के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू द अदर लिविंग बींग। जैसे जो प्लांट है, ये भी लिविंग है, ठीक है, ये भी लिविंग थिंग्स में आता है, तो ये हमको क्या प्रोवाइड करता है? फूड के साथ साथ इट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज बाय प्लांट। तो जो ये ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स क्या लेते हैं अपनी बॉडी में? ऑक्सीजन। क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो प्लांट्स हैं ना, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना खाना प्रिपेयर करता है। ऑल द लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर, एयर, सनलाइट एक्सेट्रा। और जितने लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो डिपेंड होते हैं वाटर पे, एयर में, एयर पे डिपेंड है वाटर पे और सनलाइट पे अपने लाइफ के लिए। ऑल द लिविंग बींग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। अभी मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, तो इसमें क्या है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल्स है, सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए। मोस्ट प्लांट्स प्रिपेयर और प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं या खुद बनाते हैं, इसीलिए दे आर देयर फॉर कॉल्ड द प्रोड्यूसर। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। ऑल द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो प्लांट्स होते हैं, वो खाना कहाँ पे बनाते हैं? पहली चीज़, वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस पे बनाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड विच द ह्यूमन बींग ब्रीथ आउट। ड्यूरिंग जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें क्या करते हैं जो प्लांट्स होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग्स ब्रीथ आउट करते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन विच ह्यूमन बींग एंड एनिमल ब्रीथ इन। और जो ऑक्सीजन प्लांट नहीं यूज़ करते, उस ऑक्सीजन को हम लोग ब्रीथ करते हैं, एनिमल्स ब्रीथ करते हैं। All the living beings do not prepare their own food, so directly or indirectly they depend on plants for their food. जितने भी living beings हैं, सब अपना खाना खुद नहीं बनाते। जैसे plants तो अपना खाना खुद बनाते हैं, but जितने भी living things हैं, सब अपना खाना खुद नहीं बनाते। Directly और indirectly वो किसी दूसरे पे depend रहते हैं अपने खाने के लिए। Therefore the animals and the human beings are called the consumers. इसीलिए जो animals और human beings होते हैं, इनको consumer कहते हैं। क्यों consumer कहते हैं? क्योंकि ये अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे depend रहते हैं। All the animals and human beings have different food habit. जो animals होते हैं और human beings होते हैं, सब एक जैसा खाना नहीं खाते, सबका अपना food habit अलग होता है। किसी को veg पसंद है, किसी को non-veg पसंद है।
डिपेंडिंग ऑन द फूड हैबिट दे आर क्लासिफाई इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और उनके फूड ईटिंग हैबिट के हिसाब से ही उनको कैटेगराइज कर दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में. फर्स्ट वन इज़ हार्वीवोर्स. हार्वीवोर्स क्या होते हैं? द एनिमल हु ईट प्लांट्स और लीव्स. कार्निवोरस द एनिमल हु लीव्स द हु ईट द अदर एनिमल्स. ओमनीवोरस. ओमनीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो सब कुछ खाते हैं. दे ईट प्लांट्स ऑल्सो एंड दे ईट एनिमल्स ऑल्सो. उसके बाद दो और कैटेगरीज होती हैं एनिमल्स की, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स, विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस द टॉपिक इंटरडिपेंडेंस. इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टॉपिक विच वी हैव स्टडीड टुडे, यू कैन आस्क मी.